अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ज़ाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स को हमने प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स तक पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे दी साइनेप्स। याद रखिएगा, साइनेप्स वो रीजन है जहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे द रीजन फ्रॉम वेयर द नर्व इंपल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। वो रीजन जहां से याद रखिएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसफर होता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं नर्व इंपल्स। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। यानी जो कनेक्शन होता है वहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, जिस कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा, कंपोनेंट्स में हमारे पास जो कंपोनेंट्स नर्व इंपल्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नंबर वन हमारे पास कंपोनेंट है, दैट इज दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है दी एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या होती है हमारे पास, एक्सॉन टर्मिनल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हमारे पास सेकंड मेम्ब्रेन होती है, सेकंड कंपोनेंट जो होता है, दैट इज द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, एक ऐसा नैरो स्पेस जो के दो न्यूरॉन्स के दरमियान होता है, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस होता है उसे साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। ये एक नैरो स्पेस है बिटवीन दी एक्सॉन टर्मिनल एज वेल एज नैरो स्पेस बिटवीन दी एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के, याद रखिएगा, टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसे साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। अब हमारे पास थर्ड नंबर कंपोनेंट जो है, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हमारे पास सेकंड वन जो मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो के मेम्ब्रेन्स ऑफ डेंड्राइट्स होती है, मेम्ब्रेन्स ऑफ डेंड्राइट्स हो सकती है अदर न्यूरॉन के, आर वी कैन से दैट द मेम्ब्रेन्स ऑफ मसल सेल्स, आर वी कैन से दैट द ग्लैंड सेल्स आर एनी सॉर्ट ऑफ अदर सेल्स। जब न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन बन रहा है साइनेप्स, तो श्योर शॉर्ट सी बात है पोस्ट मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स की होगी। और जब किसी भी
अब इफेक्टर्स या मोटर न्यूरॉन के दरमियान बनता है जब कमांडिंग सिग्नल जा रहे होते हैं, तो उस वक्त जो मेम्ब्रेन है वो होगी मसल्स की या किसी भी ग्लैंड सेल्स की, किसी भी टारगेटेड इफेक्टर की। तो उस अगर तो मसल मेम्ब्रेन है और या ग्लैंड सेल मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, तो उस वक्त साइनैप्स कॉल्ड एज, साइनैप्स को हम क्या नाम देंगे, साइनैप्स कॉल्ड मोटर एंड प्लेट। याद रखिएगा, सिनैप्स को हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट। क्या नाम देंगे, मोटर एंड प्लेट का नाम देंगे। ओके, ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स किसके, सिनैप्स के, जहां से कनेक्शन है, जहां से नर्व इंपल्स मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो नेचुरल कंडीशन देखेंगे कि किस तरह सिनैप्स पर नेचुरल कंडीशन कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल आते हैं तो कौन सा चेंज आता है, किस तरह सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला रीजन जो है, दिस इज द एक्सॉन टर्मिनल। ये हमारे पास जो है वो न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे पास पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये स्पेस एरिया जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड क्लिफ्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जब विदाउट इंपल्स नेचुरल कंडीशन जो होती है वो सिनैप्स वाले रीजन पर, जहां सिनैप्स बनना होता है वहां पर टर्मिनल की और डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन की या पोस्ट मेम्ब्रेन की क्या कंडीशन होती है। अब ये तो हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा लेबल कर दें, यहां पर ये हमारे पास है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये मेम्ब्रेन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल की होती है। ये हमारे पास जो है दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन भी हो सकती है जहां सिग्नल ट्रांसफर होने हैं, किसी भी मसल्स की या ग्लैंड सेल की भी हो सकती है। ये रीजन हमारे पास कहलाता है सिनैप्टिक क्लिफ्ट। क्या कहलाता है, सिनैप्टिक क्लिफ्ट कहलाता है। इसको हम यहां लिखते हैं सिनैप्टिक क्लिफ्ट। ओके, तो अब हमारे पास जब हम नेचुरल कंडीशन देखेंगे तो याद रखना कि न्यूरॉन्स जो होती हैं टर्मिनल्स, यहां पर जो है वो चैनल्स लगे होते हैं कैल्शियम चैनल्स। ये हमारे पास कैल्शियम चैनल्स हैं और इसके ऑल अराउंड मौजूद होता है कैल्शियम आयंस। क्या मौजूद होते हैं, कैल्शियम आयंस लगे होते हैं बहुत सारे। ये कैल्शियम आयंस कहां पर मौजूद है, टर्मिनल रीजन पर, चारों तरफ बहुत सारे कैल्शियम आयंस लगे हुए हैं, और अंदर वाली साइड पर ये रीजन जो है यहां पर लगे हुए हैं। ये जो हमारे पास वेसिकल है, इस वेसिकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं ये, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये फुल होती है वेसिकल विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हमारे पास वेसिकल कहलाती है, और ये वेसिकल फुल है विद द न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज द वेसिकल, और ये वेसिकल फिल्ड विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन्हें हम नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज आर कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो याद रखिएगा, खास किस्म के प्रोटीन केमिकल्स भी होते हैं, प्रोटीन केमिकल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत सारी आपको मिलेगी, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इस तरह एसिटाइल कोलीन है, एसिटाइल कोलीन है, इसी तरह गाबा है, इसी तरह सेरोटोनिन है, इसी तरह ग्लायसिन है, इसी तरह हमारे पास जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन
और ये हमारे पास आइडेंटिफाइड जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर है एक्सेट्रा। अब न्यूरो ट्रांसमीटर से फील्ड है यहां पर जो लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड दी डॉकिंग प्रोटीन्स। ये आपकी बुक से थोड़ा सा हटके पॉइंट है लेकिन आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड डॉकिंग प्रोटीन्स, इन्हें हम नाम देते हैं डॉकिंग, इसे डॉकिंग प्रोटीन कहते हैं। और ये डॉकिंग प्रोटीन क्या काम करती हैं, याद रखिएगा, ये डॉकिंग प्रोटीन्स वेसिकल्स को ब्लास्ट होने में हेल्प करेगी। और देर इज माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि एटीपी जनरेट करेंगे इन द टर्मिनल रीजन, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं जो कि एनर्जी जनरेशन में काम देंगे, एटीपी को जनरेट करेंगे। और ये पोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है, यहां पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स एज वेल एज यहां पर चैनल्स होंगे, जिन चैनल्स को हम नाम देते हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। सोडियम चैनल भी हैं और पोटेशियम चैनल भी, और यहां पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिन रिसेप्टर्स को हम नाम देते हैं दी प्रोटीन रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर रिसीव करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को और चैनल्स को ओपन करने में हेल्प करेंगे। अब ये वाला रीजन सिनैप्टिक क्लिफ्ट है, यहां पर भी चैनल्स लगे होते हैं जहां से न्यूरो ट्रांसमीटर इंटर होंगे क्लिफ्ट रीजन में और यहां से आगे मूव करेंगे टू दी पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये हमारे पास नेचुरल कंडीशन है। और अब श्योर शॉर्ट सी बात है, जब हम देख रहे हैं अनस्टिमुलेटेड रीजन है अभी तक, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा पोस्ट मेम्ब्रेन पर और जो अंदर होगा दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंदर ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन ज्यादा है और किसके मुकाबले में, सोडियम पोटेशियम के मुकाबले में, बाहर सोडियम ज्यादा होती है और इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन ज्यादा होते हैं आईसीएफ में इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे पास जो है वो एक टर्मिनल पॉइंट है जिसको हमने देखा कि टर्मिनल पर ये जो कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह कैल्शियम आयंस और वेसिकल्स किस तरह मौजूद होते हैं और उसके अंदर क्या मौजूद होता है। अब जैसे ही हम देखते हैं यहां पर कि हमारे पास जो है वो सिग्नल यहां पहुंचेंगे, जैसे सिग्नल यहां पहुंचेंगे तो याद रखिएगा जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचता है, ये पोस्ट मेम्ब्रेन है, ये वाली प्री मेम्ब्रेन है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल यहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही इंपल्स यहां पहुंचेगा जिसे हम कहते हैं नॉर्थ इंपल्स, तो यहां से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो हमने देखा था बाहर बहुत सारी कैल्शियम्स मौजूद हैं। अब ये कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगी। जब कैल्शियम अंदर आना शुरू होगी तो ये आके अराउंड दी वेसिकल्स जमा हो जाएंगे। अब कैल्शियम मूव करना शुरू कर देगा इनसाइड। जैसे कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो ये कैल्शियम आइंस कहां पर आएंगे, अराउंड द वेसिकल्स, ये वेसिकल्स के अराउंड कैल्शियम आयन जमा हो जाएंगे। जैसे ये कैल्शियम आयन बहुत सारे जमा होंगे, ये कैल्शियम आयन न्यूरोट्रांसमीटर को स्टिम्युलेट करेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लेकर ये वेसिकल्स जो है वो डॉकिंग प्रोटीन के पास पहुंचे। यहां पर देखिए, यहां डॉकिंग हमने पढ़ा था कि यहां पर डॉकिंग प्रोटीन है। अब ये जैसे ही वेसिकल यहां पर आएगा, ये जो डॉकिंग प्रोटीन है वो इसे रप्चर करवा देंगे क्योंकि यहां पर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब यहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये यहां से लीक आउट हुए, जैसे यहां से लीक आउट होंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वाया पासिंग थ्रू दीज चैनल्स, ये चैनल खुल जाएंगे। जैसे ये चैनल खुलेंगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर अलोंग विद कैल्शियम आयंस, अब यहां पर कैल्शियम आयन भी आ जाएंगे बहुत सारे, और बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से इन करना शुरू करेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गए वाया पासिंग थ्रू दीज चैनल्स।
जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आ गए, और ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां पर रीच करेंगे, यहां पर लगे हुए पोस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए, ये जो पोस्ट मेम्ब्रेन है इस पर लगे हुए जो रिसेप्टर हैं, दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, जो प्रोटीन रिसेप्टर हैं इनके ऊपर आके अटैच होंगे। ये जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहां अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं, तो यहां से जो लगे हुए चैनल्स हैं इनमें से जो सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम विल रश इन। जब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगी, पोटेशियम ऑलरेडी मौजूद थी यहां पर, तो जब सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, तो बाहर पॉजिटिव, अंदर वाली साइड पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अपीयर होंगे। नेगेटिव चार्ज भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब बाहर से सोडियम अंदर आ चुका है, जब बाहर से सोडियम अंदर आ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर होंगे। पॉजिटिव तो ऑलरेडी मौजूद थे, अब इसमें नेगेटिव चार्ज भी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स जो हैं ये अपने चार्ज शो करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बाहर भी पॉजिटिव नेगेटिव और अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सिग्नल्स मिले, न्यूरोट्रांसमीटर ने स्टिमुलेट किया, सोडियम अंदर आया, यहां पर प्रोसेस हो जाएगा डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो जाएगी पोस्ट मेम्ब्रेन, जो के टर्मिनल्स ऑफ, जो के डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन थी, यहां पर क्या थी, पोलराइज्ड। अब जब यहां पर पोलराइज्ड कंडीशन थी, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर आया, ने स्टिमुलेट किया, डीपोलराइजेशन हो गई। इसका मतलब यह कि सिग्नल जो है वो अब टर्मिनल से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंच चुके हैं। अब दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट से वहां तक सिग्नल आ गया, वो डीपोलराइज होगी, अब सिग्नल इसी तरह आगे रन करेंगे तो पीछे वाला पोर्शन रिपोलराइजेशन में जाएगा, रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाएगा, फिर आयन बैलेंस में जाएगा और डेंड्राइट्स फिर अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे, जो ये वाली कंडीशन है। तो अब यहां पर जैसे ही स्टिमुलेशन हो गई, डीपोलराइजेशन हो गई, तो यहां पर एक एंजाइम काम करेगा जिसको हम जनरली कहते हैं काइनेज एंजाइम। ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको तोड़ देगा। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएंगे ब्रेक, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक हो जाएंगे, तो ये रिसेप्टर को छोड़ देंगे, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन बंद हो जाएगी और चैनल भी क्लोज हो जाएंगे और सोडियम जो आयन जेंस की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। डीपोलराइजेशन के बाद अंदर सोडियम जाना बंद हो जाएंगे और जो है वो डीपोलराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, और ये टूटे हुए जो रिसेप्ट, जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, याद रखिएगा, ये रिवर्स बैक जाएंगे और जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो के हाफ हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा फिर वेसिकल्स में जाएंगे और वेसिकल्स में वहां पर रिफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। जैसे रिफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, वहां इनक्लोज हो जाएंगे वेसिकल में, और बाय यूजिंग एटीपी, यहां पर प्रोसेस क्या यूज होगा, यहां पर एटीपी इस्तेमाल होगी, और एटीपी कहां से आएगी, ये आएगी माइटोकॉन्ड्रिया से। अब बाय यूजिंग एटीपी, एंजाइम ने तो तोड़ दिया, लेकिन बाय यूजिंग एटीपी ये टूटे हुए जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वापस जाएंगे टर्मिनल में, वहां पर रिफॉर्मेशन होगी और फिर इनक्लोज हो जाएंगे इनसाइड द वेसिकल्स और ये चैनल हो जाएंगे ब्लॉक, वापस पहले की तरह जिस तरह बंद थे दोबारा बंद हो जाएंगे। और यहां से ये जो कैल्शियम आयन है जो इस क्लिफ्ट के अंदर मौजूद थे, बजाय के दोबारा रिवर्स जाके टर्मिनल से फिर बाहर निकले, ये डायरेक्टली ये जो क्लिफ्ट वाला रीजन है, यहां से कैल्शियम आयंस दोबारा बाहर जाना शुरू कर देंगे, इसलिए यहां दोबारा फिर कैल्शियम आयन मूव करेंगे, कहां मूव करेंगे, टू आउटसाइड, यहां भी कैल्शियम आयंस बाहर आ जाएंगे, यहां भी कैल्शियम आयंस बाहर आ जाएंगे, और ये क्लिफ्ट वाला रीजन फिर खाली हो जाएगा, ट्रांसमीटर बैक हो गया, टूटने के बाद चले गए रिफॉर्मेशन होकर वेसिकल में चले गए, कैल्शियम आयन भी यहां से चला गया, क्लिफ्ट वाला रीजन फिर खाली हो गया। अब जब दोबारा कोई भी स्टिमुलस आएगा, कोई भी दोबारा सॉरी इंपल्स आएगा,
तो दोबारा फिर ये मूवमेंट होगी, डॉकिंग प्रोटीन फिर ब्रेक करेंगे वेसिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर फिर आएंगे, कैल्शियम आयन भी मूव करते हुए आएंगे, और फिर यहाँ वर्किंग होगी, यहाँ फिर जो है वो डीपोलराइजेशन होगी ऑफ द नेक्स्ट मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास था साइनेप्स। कैसे? अब देखें, ये हमने सिग्नल ट्रांसफर देख लिया कि एक न्यूरॉन से कैसे दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। यहां पर मैंने नेक्स्ट को डायग्राम नहीं बनाई, मैंने आपको यहां पर ही बता दिया कि यहां जो है वो ये वाले चैनल फिर ब्लॉक हो गए सोडियम वाले, और डीपोलराइजेशन के बाद जहां से न्यूरोट्रांसमीटर वापस चले गए, और जो ये वाले चैनल वापस क्लोज हो गए, और कैल्शियम क्लिफ्ट से बाहर निकलकर सराउंड करना शुरू कर दिया इसने एक्सॉन टर्मिनल को। तो ये हमारे पास वो रीजन है जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, या फिर नर्व इंपल्स के, या फिर कमांडिंग सिग्नल मोटर न्यूरॉन के जो है वो टर्मिनल से जो मसल सेल मेम्ब्रेन या ग्लैंड सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं स्टिमुलेशन के लिए। तो उसे हमने पढ़ा था मोटर एंड प्लेट है, तो मींस पोस्ट मेम्ब्रेन, या तो हमारे पास डेंड्राइट की मेम्ब्रेन हो सकती है या किसी मसल या ग्लैंड सेल की हो सकती है। तो उस वक्त हम साइनेप्स को नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या नाम देते हैं? मोटर एंड प्लेट देते हैं नाम। तो ये हमारे पास था साइनेप्स के सिग्नल कैसे ट्रांसफर होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि साइनेप्स वाला रीजन ओरिजिनल कंडीशन में कैसे होता है, जब नर्व इंपल्स पहुंचता है तो क्या चेंजेस आती हैं, और जब इंपल्स पहुंचता है तो किस तरह न्यूरोट्रांसमीटर मूव करते हैं, किस तरह स्टिमुलेट करते हैं पोस्ट मेम्ब्रेन को, सोडियम चैनल खुलते हैं, और जो है वो स्टिमुलेशन के बाद फिर न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक होते हैं, फिर बाय यूजिंग एटीपी रिवर्स जाएंगे और रिफॉर्मेशन होगी, वेसिकल में बाउंड होंगे और कैल्शियम क्लिफ्ट से बाहर निकलेंगे। ये सारा सिलसिला हमने पढ़ा, मैंने आपको रिपीट करके भी बता दिया इसकी समरी कि कैसे ये मूव करते हैं। ये हमारे पास साइनेप्स रीजन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे वो फ्यू एमसीक्यूज जो कि हमारे पास साइनेप्स पे आते हैं, आपके एंट्री टेस्ट में, आपके एमडी कैट में, वी कैन से दैट वेरियस मेडिकल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।